सो गाइस, अभी अमेजोन का जो रिप्रेजेंटेटिव एजेंट है वो कॉल किया था और अमेजोन को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है स्ट्रैंड नहीं था जिसका मैंने रिप्लेसमेंट के लिए ऑप्शन चुना था, तो ये आ गया है। देखिए, यही जो स्टैंड है वो नहीं था उसमें, और ये जो फ्रेश पूरा दिया है गिम्बल और बॉक्स के साथ दिया है पैकिंग करके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। और आज है 15 जनवरी शनिवार, और दोस्तों हम लोग आज ही सकरात मना रहे हैं, क्योंकि कल जो है कल बहुत लोगों ने मनाया था, लेकिन हम लोग आज ही सकरात मना रहे हैं। और दोस्तों कल यहाँ पर बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है, अब देख सकते हैं पूरा छत जो है वो भींगा हुआ है, और ओस भी बहुत भयानक रूप से पड़ रहा है यहाँ पर। तो रांची का मौसम जो है बहुत ख़राब होता जा रहा है। और गाइस, कल रात से ही मुझे काफ़ी ज़ोरों की सर्दी और खांसी हो चुकी है, और पैर भी बहुत दर्द दे रहा है। तो देखता हूँ कुछ मेडिसिन लूँगा या फिर कुछ तो परहेज करना पड़ेगा, ताकि जो ये दर्द है वो ठीक हो जाए और सर्दी खांसी भी ठीक हो जाए। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। लेकिन यार, ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपके भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, आपको मैंने दिखाया कि कल हमारे घर में किस तरह का डिश बना था, और वो जो डिश था बहुत ही स्वादिष्ट डिश था, और सकरात से पहले वो बनाया जाता है, शुभ माना जाता है। तो एक्चुअली वो पीठा खीर और सब्जी था जो कि मैंने आपको दिखाया था, और आज तो तिलकुट गुड़ चूरा वगैरह खाने का दिन है। और गैस, अभी स्क्रिप्ट राइटिंग और वॉइस ओवर अपनी कंप्लीट हो गई है। कल एक्चुअली क्या हुआ कि अपना जो चार्जर का जो डाटा केबल है वो घर में दुकान में ही छूट गया, इस वजह से मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया है। तो हो सकता है कि ब्लॉक फिर दुकान का ही आपको देखने को मिले, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ डाटा केबल। तो सोच रहा हूँ कि एक नया डाटा केबल ले लूँगा, क्योंकि उस तरह का डाटा केबल घर में किसी का भी नहीं है अभी। सो दोस्तों, पहुँच चुका हूँ अब अपना शॉप पे, और एक्चुअली बैटरी ख़त्म हो गया था, इसीलिए आपको चूड़ा तिलकुट का कुछ क्लिप्स नहीं दिखा पाया। तो अभी चार्ज में लगाया हूँ, देखिए। और एक ही टाइप सी केबल है, इसी वजह से बैटरी जो है वो थोड़ा डेड हो जाता है। बैटरी डेड हो जाता है तो फिर वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक और टाइप सी केबल मैं लेने का सोच रहा हूँ, ले लूँगा। तो चलिए अब शॉप का काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शॉप का कुछ काम कर लेते हैं। और सामने जो डम्मी लगा रहता है वो बहुत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि रोड के पास है ना, तो इसीलिए इसको डेली झाड़ना जरूरी रहता है। तो थोड़ा थोड़ा इस डम्मी को मैं रोज़ झाड़ लेता हूँ, उसके बाद इसे फिर सामने जैसे लगा हुआ रहता है उसी तरह से लगा देता हूँ। और इधर भी मेरा एक्चुअली दुकान का दो गेट है, तो दोनों तरफ के डम्मी को मुझे झाड़ना पड़ता है। सो अब थोड़ा सा झाड़ू दे देते हैं दुकान में, क्योंकि दुकान को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, तभी कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं दुकान में। तो चूंकि मैं ही इकलौता पर्सन हूँ जो संचालित करता हूँ दुकान को, इसलिए मुझे ही सारा साफ सफाई करना पड़ता है। तो अभी झाड़ू वगैरह दे देते हैं, उसके बाद फिर आगे काम करते हैं। दोस्तों, आज का मौसम भी बहुत ख़राब है, आप देख सकते हैं आसमान में, और इक्का दुक्का लोग ही अभी चल रहे हैं रोड पे, क्योंकि आज सकरात भी है, इसीलिए बहुत सारे लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। तो गाइस, अभी अमेजोन का रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन किया था और इसको रिप्लेस करने आ रहा है, आ गया है शायद। और ये अमेजोन का प्रोडक्ट है और आ गया है। तो दोस्तों, यही वो स्टैंड है जो कि मुझे पहले वाले जो बॉक्स था उसमें नहीं मिला था, तो फिर मैंने रिप्लेस का ऑप्शन को चूज़ किया था, तो फिर नया ये डिब्बा में मुझे ला के दिया। इसमें आपको पूरा पैकेजिंग के साथ मिला, और इस तरह का डिजिटेक का वो डब्बा है, और उसमें स्टैंड है ये वाला। और ये स्टैंड का बहुत अच्छा फंक्शन है, इसे रख कर आप कहीं भी शूट कर सकते हैं गिम्बल में लगा के। तो यही जो स्टैंड है ये मुझे नहीं मिला था, तो आज जिसको
उसने रिप्लेस करके मुझे फ्रेश दिया है। तो दोस्तों अभी पापा जी आ गए थे लगभग 2 बजे के करीब, और अभी जो मौसम है बहुत ख़राब कर दिया और पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो हम लोग बैठे हुए हैं अभी दुकान में, और दोस्तों अभी हिसाब किताब कर रहे हैं कि कितना घर सेल हुआ और कितना हम लोग ने माल परचेज़ किया, उसी का हिसाब किताब कर रहे थे। क्योंकि आज थोड़ा भीड़ कम है इसीलिए दुकान में बैठे बैठे यही हिसाब कर रहे थे कि कितना सेल परचेज़ हुआ। दोस्तों पिछले वर्ष जनवरी में ही मैंने दुकान खोला था, तो अभी हिसाब किताब कर रहा हूँ पूरा बैठ के कि कितना का सेल परचेज हुआ है, उसका मैंने एक फाइल बना के रखा है। तो दोस्तों अभी 8 बज गया है और शॉप को बढ़ा दिया हूँ देखिए, और अब घर निकलने का तैयारी है। पापा जी इधर हैं और इधर अपनी बुलेट लगी हुई है और भैया उधर जा रहे हैं, तो अब हम लोग भी चलते हैं घर, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है इसलिए घर जाना ज़रूरी है। और दोस्तों हमेशा की तरह रेलवे फाटक फिर बंद है और हटिया पटना अभी पार हो रही है, कई लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। यही यहाँ का थोड़ा सा खामी है घर जाने में कि ये जो रेलवे फाटक है वो बहुत समय तक बंद रहता है। सो गाइस फाइनली रीच टू होम, और देखिए किशोरी है, किशोरी देखो इधर खाते। हाँ और क्या करती है लॉलीपॉप? खाते ही। और क्या खाती है? चावल, चॉकलेट, चावल, समोसा। किंडर जॉय? किंडर जॉय, हाँ हाँ। किंडर जॉय बहुत अच्छा लगता है ना तुमको? हाँ अच्छा लगता है। चाय टोस्ट चल रहा है दोस्तों, जा रहा हूँ चाय टोस्ट का नाश्ता करने के लिए अभी। तो दोस्तों अभी रात का 8:30 बज गया है और हम लोगों के घर में अभी रात में खिचड़ी बना है जो कि हर वर्ष बनता है। खिचड़ी, चोखा, चटनी और पापड़ कुछ इस तरह का बना है, देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रहा होगा आप लोगों को। तो भाई 10:30 बज गई है और खाना पीना मेरा हो गया है, और आज एक्चुअली तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा था क्योंकि आज ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और सर्दी टाइप का लग रहा था, तो इसीलिए आज जल्दी थोड़ा एडिट वगैरह करके सो जाऊंगा। और मेरा जो किम्बल भी है वो आ गया है जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो यार आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना। तो चलिए कल फिर एक नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।